हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत सिंह फ्रॉम अपेक्स पब्लिक स्कूल। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मैटर की जो पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल है उनका साइज कितना स्मॉल होता है। वो बहुत ही टीनी पार्टिकल होते हैं, और इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि दैट वर द टीनी पार्टिकल्स। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने डाई इसके अंदर ऐड की है, KMnO या एनी डाई, कोई भी डाई है, या KMnO4 हमने ले लिया। इसमें यहाँ केवल एक ड्रॉप, हम जैसे ही हम इस एक ड्रॉप को इस वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इस एक ड्रॉप में देर आर ए मिलियन ऑफ पार्टिकल, एंड दीज पार्टिकल आर वेरी वेरी माइन्यूट इन साइज। दैट मीन दीज आर वेरी टीनी पार्टिकल, एंड दीज टीनी पार्टिकल विल स्टार्टेड टू स्प्रेड थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन, थ्रू आउट दिस वाटर, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द होल वाटर इज चेंजिंग। नाउ द होल वाटर कलर इज चेंज। हाउ मैनी ड्रॉप्स वी हैव एडेड टू इट? जस्ट वन ड्रॉप, बट दिस वन ड्रॉप कंटेन वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड दिस पार्टिकल आर स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। इन अदर एक्टिविटी वी कैन वॉच इफ वी आर एडिंग डिटोल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटोल इन वाटर, देन फ्रेगनेंस ऑफ डिटोल कैन बी फेल्ट थ्रू आउट दिस वाटर। दैट्स मीन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिटोल कंटेन वेरी ह्यूज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल ऑफ डिटोल, एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगनेंस इन द होल वाटर। देन वील टॉक अबाउट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दिस इंसेंस स्टिक इज गिविंग आउट फ्रेगनेंस। सपोज वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये फ्रेगनेंस हमें यहाँ से यहाँ तक फील हो जाएगी, क्योंकि इसके पार्टिकल एयर के अंदर मूविंग कंडीशन में हैं, और मूविंग कंडीशन में होंगे तो ये हमारे तक ऐसे पहुंच जाएंगे। यानी हमें इन इसकी फ्रेगनेंस यहाँ से यहाँ फील की जा सकती है। या सपोज करें कि हम रूम में कहीं एक कॉर्नर में खड़े हुए हैं, और अदर कॉर्नर में देर इज ए इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती लगाई हुई है, तो उसकी फ्रेगनेंस हमें अपने अपोजिट कॉर्नर में फील की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल के साथ, एयर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडीशन में होंगे, और उन पार्टिकल के साथ इसके पार्टिकल मिक्सअप हो गए हैं, जो उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगनेंस फील होगी इससे दूर खड़े रहने पर भी। जो मूविंग कंडीशन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग कंडीशन पे होती है, और ये होती है ड्यू टू मोशन ऑफ दीज पार्टिकल, और इन मोशन को हम क्या बोलते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ये आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, टेम्परेचर विल प्ले ए क्रिटिकल रोल हेयर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा काइनेसिस उस पार्टिकल की बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेसिस बढ़ेगी उतनी ही उनकी रीच आउट बढ़ेगी। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में इनका अलग अलग मोशन की कैटेगरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ सॉलिड देर इज ए लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, एंड ड्यू टू लेस स्पेस दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, दे आर नॉट एबल टू मूव हेयर एंड देयर। इन केस ऑफ लिक्विड देर विल बी मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, एंड ड्यू टू मोर स्पेस दे आर फ्री टू मूव मच मोर एज कंपेयर टू दिस
सॉलिड पार्टिकल, बट इन केस ऑफ गैस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी ह्यूज एंड दिस ह्यूज स्पेस विल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्पेस टू मूव द पार्टिकल, सो दीज पार्टिकल आर मूविंग वेरी रैंडमली एंड स्पीडी. सो इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस, सो मोशन इज लेस, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग. इन केस ऑफ लिक्विड द पार्टिकल स्पेस इज मोर, हैंस दे कैन मूव मोर. इन केस ऑफ गैस द पार्टिकल स्पेस इज मच मोर, हैंस दे कैन मूव मच विद मच मोर स्पीड. नेक्स्ट जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनको हम कहते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. इनमें हम तीनों कैटेगरी को अलग अलग देखते हैं कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो सॉलिड हैं उन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि दो पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को हम कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सिंपली देर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी हमने देखा कि सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, तो उसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है. और लीस्ट मिलेगा हमें जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लिस्ट है वो है हमारी गैसेज. और क्यों है? क्योंकि गैसेज के पार्टिकल के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, और गैपिंग ज़्यादा है तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा. यानी अगर हम बात करें तो हमारे जो सॉलिड हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होगा, और गैस में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. यहाँ पे तीन सॉलिड हमने अलग अलग लिए हैं. फर्स्ट हमने लिया है आयरन, ये आयरन, फिर पेंसिल एंड देन ए चॉक. है तीनों सॉलिड, बट इफ वी वांट टू ब्रेक देम वी कैन इजीली ब्रेक द चॉक देन पेंसिल एंड देन रोड. व्हाई? इन केस ऑफ आयरन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई. इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इट्स नॉट इजी टू ब्रेक द आयरन इजिली. इन केस ऑफ पेंसिल द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आयरन, हैंस इट कैन बी ब्रोकन इजिली एज कंपेयर टू आयरन. एंड इन केस ऑफ चॉक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट अमंग दीज, सो इट कैन बी ब्रोकन इजिली. तो हम रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक मैटर के बारे में क्या क्या स्टडी किया है. पार्टिकल्स के बारे में, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, मीन्स दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दीज अट्रैक्शन विल डिपेंड आइदर इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, दैट्स इट विल बी हायर इन सॉलिड, लेसर इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैस. थैंक यू.